टीवी नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे देश को, मेरे प्यारे भारत को। ये दुनिया एक गुलशन, गुलशन के माथे की बिंदिया। आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। 1947 वो मुबारक दिन था, यह कहो रात थी, जिस दिन हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और हमारे प्यारे देश ने खुल के आज़ादी की सांस ली थी, जो आज तक हमारे महापुरुषों के बलिदान की वजह से हम उसका अपने जीवन में, अपने तरक्की में उपयोग कर पा रहे हैं। तो उन महापुरुषों के लिए भी जिन्होंने बलिदान करके हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, मैं बहुत सलाम करता हूं, जिनका ये नारा था, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। बहुत सारे वीर पुरुषों ने हमें ये आजादी दी है और कहा है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम इस आज़ादी को पूरी तरह से संभाल के रखें, इसका सम्मान करें और इस आज़ादी के तहत पूरी दुनिया में भारत को नंबर वन बनाने में हमेशा अग्रसर रहे। वैसे तो हमारा देश नंबर वन है ही, लेकिन आगे भी बना रहे, यही से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और सब सारे शहीदों को दिल से सलाम करता हूँ, ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ और यही कहता हूँ कि हमारे देश के किसान, हमारे देश के जवान, जय जवान जय किसान, जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है, वो हमेशा वो हमेशा हमारे साथ रहे। जवान देश की सुरक्षा करे और हमारे किसान भाई हमारे जीवन की सुरक्षा करे, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो 1947 को धीरे धीरे देखिए, अब आंकड़ा चेंज होने की बारी आई है, 74 की तरफ अग्रसर है, हालांकि ये 73 वाला आज़ादी दिवस है, ये फिर भी देश के तमाम आबादी को बहुत आज़ादी मुबारक हो, और विचारों की आज़ादी, ख्यालों की आज़ादी, काम की आज़ादी, आज़ादी ही आज़ादी हो, यही मेरी शुभकामना है। हर कष्ट से, हर दुख से, हर रोग राई से, हर महामारी से हमारा भारत देश हमेशा आज़ाद रहे। जय हिंद। देश की 73वें स्वतंत्रता दिन के अवसर पर मैं बिग न्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, कोरोना का फैलाव ज्यादा होने की वजह से हमें, हमारे देश की सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने और स्थानीय नगर पालिकाओं ने जो जो निर्देश दिए हैं उसका बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को हमें मेंटेन करना चाहिए, ये पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है हमारे देश के तिरंगे की गरिमा की। हम कल तो बड़ा धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन कल के बाद हम जो सीने पे लगाए तिरंगा घूमते हैं, वो तिरंगा कहीं कोने में, कहीं रोड पे, कहीं यहाँ वहाँ ना गिरे, इसका बड़ा ध्यान रखे, उसका अपमान न हो जाए, इसकी जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है। और उसका बड़ा ध्यान रखो और हमारे तिरंगे की गरिमा का भी ध्यान रखो, ऐसी मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ। बिकॉज जो बाहर रह रहे हैं, जो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे प्यारे हिंदुस्तानियों को मेरी तरफ से और मेरे चाहने वालों की तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन सब की जो हमारे देश के लिए, हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने आज पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत कुर्बानियां दी, जिनकी बातों में वह आज वो अनुभव है कि आज हम खुली सांस ले रहे हैं, तो सिर्फ उनकी वजह से। उन सबको पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगा अपनी आने वाली यूथ के लिए कि बेहतर से बेहतर काम करें और अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं, और किसी भी चाल फ्रेम,
किसी भी मक्कार आदमी के चक्कर में ना आए, अपने देश की उन्नति और अपने लोगों की उन्नति और अपने प्यार बच्चों की उन्नति के लिए भविष्य उज्जवल भविष्य की तरफ सोचे। और जो ब्रिटिश से हमारे देश को आज़ाद कराया, ये उन सब की मेहरबानियों का नतीजा है जो आज हमारे देश में गांधी जैसे महान लोग पैदा हुए। सुखदेव सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद सिंह, ये सब लोगों का बहुत बड़ा मायने रहा है। हम उनके नक्शे कदम पे चलें और अपने देश का उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शुभकामनाएं करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय यूथ। जय हिंद दोस्तों। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैं रिजवान सैयद, हमारे अध्यक्ष दिनेश गुप्ता जी के नेतृत्व में मैं सभी हमारे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारे 73 साल अपना कंप्लीट हो चुका है देश का, स्वतंत्र का। तो मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि ढेर सारी शुभकामनाएं। आप फ्लैग होस्टिंग कीजिए, झंडा वंदन कीजिए, मद्देनज़र रखते हुए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, और हमें कोरोना को हराना है और देश को जिताना है। जय हिंद दोस्तों।